हेलो एंड नमस्ते. एज यूजुअल माय नेम इज शालू एंड यू आर वाचिंग शालू ब्यूटी एंड फैशन. सो दिस इज सेकंड सीरीज ऑफ विंटर वेडिंग. सो आई मस्ट हैव ब्लाउजेस फॉर विंटर वेडिंग. सो या विदाउट टॉकिंग टू मच लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहला ब्लाउज आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नॉट फॉर ओनली विंटर वेडिंग्स. मतलब अगर आप एक बार अच्छे वेलवेट में या फिर इन्वेस्ट करते हो वो आप बहुत लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हो. तो वेलवेट आप एक अच्छा वेलवेट कैसे खरीद सकते हो उसके ऊपर इस वीडियो के ऊपर मेरे 80K व्यूज़ गए हैं. तो आप देख सकते हो एंड बहुत एप्रिशिएशन मिला है देख सकते हो. तो आपके पास विंटर वेडिंग्स के लिए कुछ वेलवेट के ब्लाउजेज होने चाहिए नॉट ओनली वन वेलवेट. लेट मी टेल यू व्हाई. आप एक प्लेन वेलवेट लाइक जिसमें किसी भी तरह की एम्ब्रॉयडरी नहीं हो आप वैसे वेलवेट में इन्वेस्ट करो. नाउ बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हम किस तरह के कलर में इन्वेस्ट करें जो हमारे मोस्ट ऑफ द आउटफिट के साथ में चला जाए. सो इसका एक सिंपल सा तरीका है कि आप अपने वार्डरोब में देखें कि आपके पास किस कलर की जो कलर पैलेट है किस कलर पैलेट के जो कपड़े हैं वो सबसे ज़्यादा है. सपोज अगर आपके पास में वॉर्म टोन के जो कपड़े हैं वो ज़्यादा है तो आप डार्क कलर में इन्वेस्ट करें. एंड अगर आपके पास में कूल टोन के कपड़े ज़्यादा है लाइट कलर में इन्वेस्ट करें. तो इस तरह से आप बहुत ही ईजिली. बट अगर आप बिल्कुल बेसिक चाहते हो तो आप एक मरून में इन्वेस्ट कर सकते हो. डोंट आप अगर चाहते हो एक और इन्वेस्ट करना तो आप ब्लू या फिर पर्पल ये दो ऐसे कलर हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो. तो आपके पास एक एम्ब्रॉयडरी वाली वेलवेट होनी चाहिए जिसके ऊपर बहुत अच्छी सी एम्ब्रॉयडरी हो. तो एटलीस्ट दो आपको इन्वेस्ट करने हैं इस वेडिंग सीजन. सेकेंड ब्लाउज आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए विंटर वेडिंग में दैट इज लॉन्ग. जो जैकेट पैटर्न के ब्लाउजेज होते हैं ना जाने कितने सारे सेलेब्स में यहाँ पे आपको पिक्चर जो है पेस्ट कर रही हूँ इस तरह के ब्लाउजेस को फ्लॉन्ट करती है. सेलेब्स जब कोई मीन्स जब किसी आउटफिट को या किसी पीस को स्टाइल करते हैं ना हमें लगता है वो उनका सिग्नेचर स्टाइल है. बट ट्रस्ट मी हमेशा स्टाइलिंग ही उसके पीछे का रीज़न नहीं होता है. क्योंकि विंटर में अगर आप स्टाइलिश देखना चाहते हो कम से कम लेयरिंग करना चाहते हैं तो आप जो जैकेट पैटर्न में ब्लाउजेज होते हैं या फिर जो लॉन्ग ब्लाउजेज होते हैं उसमें इन्वेस्ट करें. एंड उसमें आप हमेशा जीरो नेक या फिर मैं बोलूँगी हाई कॉलर में आप इन्वेस्ट करें. इस तरह के पीसेज आपके लिए वेस्ट ऑफ मनी नहीं है. इस तरह के पीसेज एक इन्वेस्टमेंट है क्योंकि अगर आप वन टाइम इन्वेस्ट करोगे इसे आप ना जाने कितने लॉन्ग टाइम तक विंटर वेडिंग में आप स्टाइल कर पाओगे विथ डिफरेंट पीसेज नॉट ओनली विथ सारीज. इस तरह की जो जैकेट्स ब्लाउज होते हैं उसे आप ट्राउजर के साथ में जैकेट ब्लाउजेस भी होने चाहिए इस विंटर में. सम गुड क्वालिटी सैंटून क्रॉप टॉप और ब्लाउजेस अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. पर सैंटून के ब्लाउजेस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्रॉप टॉप स्टाइल में उसे बनवाना क्योंकि सैंटून के जो फैब्रिक होते हैं बहुत ही डेलिकेट होते हैं. एंड स्पेशली हुक एंड आई वाला आप मत कस्टमाइज करवाना. अगर आपको मन है आप जिप वाला करवा सकते हो ना. मीन्स अगेन ये बहुत सारे सेलिब्रिटीज विंटर में अपने स्टाइलिंग का पार्ट बनाते हैं. एंड सैंटून आपकी बॉडी को वार्म्थ भी प्रोवाइड करेगा क्योंकि देखो विंटर का मेन मोटिव होता है हम स्टाइलिश भी लगे एंड उसके साथ साथ हमें ठंड भी कम लगे. तो आप सैंटून के कुछ मीन्स कुछ अच्छी क्वालिटी के सैंटून के फैब्रिक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. आई डोंट नो जो फोर्थ मस्ट हैव ब्लाउज मस्ट हैव नहीं बोलूँगी ये टिप है या एक ट्रिक है जो एक इंसिडेंट मीन्स एक छोटे से इंसिडेंट से मैंने सीखा है. जो विंटर सीजन होता है स्पेशली जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है एंड बहुत ज़्यादा लेयरिंग करने की ज़रूरत होती है. सपोज आपने जो है बॉडी वार्मर पहना एंड लॉन्ग जैकेट पहना. अगर आप जैकेट स्टाइल में ये किस पैटर्न में आप सिलवाना चाहते हो ये टोटली आपकी टेस्ट है. बट इस तरह के शियर पैटर्न में एक ब्लाउज आपके पास होना चाहिए. बहुत हेल्प करेगा इंस्टेंटली आपके लुक को ना एलिवेट करने में. अगर मैं बोलूँ ये आपके सिंपल साड़ियों को एक बहुत ही अच्छा सा लुक देगा. अगर आप पेंटेक्स देखोगे इस तरह के ट्रांसपेरेंट शर्ट्स टॉप्स बहुत बहुत ट्रेंडी लुक देते हैं. इंस्टेंटली आपकी सस्ती साड़ी को महंगा दिखाते हैं. आप सस्ते प्रिंटेड साड़ी को उसी वीडियो की बात करती हूँ ना जब कोई टॉपिक वैसा रिलेटेबल आ जाता है. तो जब बात करूँ मैं सस्ती साड़ी की तो आप सस्ती साड़ियों को किस तरह से महंगे लुक दे सकते हो किस तरह से उसे स्टाइल कर सकते हो. बहुत पहले मैंने वीडियो जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तब मैंने शेयर किया था तो डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा. तो एक ट्रांसपेरेंट एंड थोड़ी कड़क फैब्रिक या फिर सॉफ्ट फैब्रिक किसी में भी आप बना सकते हो लाइक ऑर्गेन्जा में या फिर आप नेट में भी कस्टमाइज कर सकते हो. बट अगर विंटर के लिए आप स्पेशली बना रहे हो ना तो आप ऑर्गेन्जा में इन्वेस्ट करना क्योंकि ऑर्गेन्जा बहुत कूल फैब्रिक नहीं है. तो ऑर्गेन्जा इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर विंटर वेडिंग्स. तो एक
जैसे मैंने ये अपना एक केप बनाया था ऑर्गेन्जा के फैब्रिक से, ये मैंने कृष्णा क्रिएशन बोल के एक मीन्स चैनल है, उनके चैनल से देख के ये स्टिच करा था। वो बहुत अच्छा सिखाती हैं। देखो मुझे किसी की भी वीडियोज़ अगर अच्छी लगती है, मैं मीन्स ओपनली बोलती हूँ कि मुझे इनकी वीडियो अच्छी लगी है, क्योंकि हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। मैंने कभी स्टिचिंग नहीं सीखा है, मैं यूट्यूब से ही देख के करती हूँ, एंड हम सब क्रिएटर हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि सबको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। अगर किसी को किसी का काम अच्छा लगता है तो हम क्यों नहीं बोले कि हमें उनका काम अच्छा लगता है। तो कृष्णा क्रिएशन उनके चैनल का नाम है, आप चेक कर सकते हो, 1 मिलियन उनके सब्सक्राइबर है। बहुत अच्छा, वो बहुत आसान तरीके से सिखाती है। तो इस तरह के एक ट्रांसपेरेंट ब्लाउज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए विंटर सीजन, ताकि अगर आपने वार्मर पहना है, बॉडी वार्मर पहना है, कोई स्वेटर पहना है, बट आपको बहुत बोरिंग सा लुक आ रहा है, तो आप इस तरह के जो ब्लाउजेज है या फिर शॉर्ट में भी आप इस तरह का शॉर्ट भी बना सकते हो, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो इस तरह के ब्लाउज। ये सबके लिए एक लाइफ सेवियर है। आपके पास में कुछ पेपलम स्टाइल के ब्लाउजेस होने चाहिए विंटर के लिए, विथ चाहे तो आप 3/4 में इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर फुल स्लीव में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट पेपलम ब्लाउजेस में आप ज़रूर ज़रूर इन्वेस्ट करें। पेपलम ब्लाउजेस आपकी पर्सनालिटी को इन्हेंस करती है। शिल्पा शेट्टी का ये लुक आप देखो, कितना सिंपल सोबर सी साड़ी है, बट जो हाईलाइटेड पार्ट है दैट इज ब्लाउज। अगर मैं इस साड़ी की बात करूँ ना, बहुत ही सिंपल सी साड़ी है, एंड इसको मैंने 2 डिफरेंट वे में स्टाइल करके मैं दिखाऊंगी। शॉर्ट्स आई अपलोड लॉट ऑफ शॉर्ट्स, सो यू कैन चेक माई शॉर्ट्स। लाइक लॉन्ग कॉन्टेंट में वीक में एटलीस्ट थ्री अपलोड करती हूँ, बट जो शॉर्ट्स है वो मेरे रेगुलर ही जाते हैं। सिंपल सा एलिगेंट सा है, बट उनका ब्लाउज के लुक की वजह से कितना अच्छा लग रहा है, तो आप पेपलम ब्लाउजेज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। सो दीज आर 5 मस्ट हैव ब्लाउजेज मैंने बोला था, बट मैं यहाँ पे दो ब्लाउज और इंक्लूड करना चाहूंगी। नेक्स्ट वन इज सीक्वेंट ब्लाउजेज। सीक्वेंट क्योंकि ट्रेंड में है, इसलिए भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड दूसरा कि इसके ऊपर एक पर्टिकुलर मेरी वीडियो आ रही कि सीक्वेन में आपको क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए, तो उस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो सीक्वेन ब्लाउज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट वन इज ब्रोकेट, क्योंकि दोनों ही ब्रोकेट भी एक बहुत मोटा फैब्रिक है एंड बहुत ही एक्सपेंसिव एलिगेंट लुक देता है, एंड साथ ही साथ विंटर के लिए परफेक्ट है। में किस तरह के सूट्स होने चाहिए उसके ऊपर भी मेरी पर्टिकुलर वीडियो है, मैं यहाँ पे ऐड स्क्रीन या फिर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो इन 7 तरह के ब्लाउजेज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इतना सा भी हेल्पफुल। दिस इज सेकेंड पार्ट, अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा आप चेक करना। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। इफ़ यू विश आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही अच्छे कॉन्टेंट के साथ। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आई एम रियली गोइंग थ्रू अ वेरी लो फेज, तो प्लीज़ आई रियली नीड योर मोटिवेशन।